वेलकम टू स्टोनो डिक्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यहाँ पे डेली डिक्टेशंस प्रोवाइड की जाती हैं और डेली डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाता है। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अब चूंकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। प्रौद्योगिक गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और प्रौद्योगिकी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकती। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी, किंतु हम विश्वव्यापीकरण केवल उसी के लिए नहीं कर रहे। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का लाभ है। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है, और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं हैं, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे।
महोदय, इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूँ कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, परंतु यह हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नितांत अपर्याप्त है। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है। मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए कि न तो हम पर कोई छा रहा है और न ही हम अपना देश बेच रहे हैं। एक तो विदेशी निवेश के लगभग 90% प्रस्ताव संयुक्त उद्यमों में हैं, अर्थात भारतीय उद्यमियों की साझेदारी में है। दूसरे, हमने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दी है कि हम निवेश आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में और प्राथमिकता वाले अन्य उद्योगों में चाहते हैं। अभी तक जो प्रस्ताव मिले हैं उनमें से 80% से भी अधिक हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए हैं। विदेशी निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है और जिन विदेशी निवेशों को स्वीकृति दी गई है उसका भी एक बहुत बड़ा भाग बिजली, पेट्रोलियम, धातु कर्म उद्योगों, रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों, बिजली के उपस्करों आदि के लिए है। यह आशंका कि विदेशी निवेशक केवल उपभोक्ता सामानों के लिए हमारे बाजारों में पैठ करना चाहते हैं, उसका समर्थन सरकार को मिले प्रस्तावों या स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों से नहीं आता। थोड़े से परंतु बहुत अधिक दिख पड़ने वाले मामलों को लेकर गलत प्रभाव पड़ सकता है। औद्योगिक और आधारिक संरचना वाली परियोजनाओं को पूरा होने में लंबा समय लगता है। एक बार जब इन परियोजनाओं में काम शुरू हो जाएगा तो बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के रूप में इनके परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। विकास कार्यों में लघु उद्योगों की गतिशील भूमिका होती है। इस क्षेत्र में लगभग 1,40,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है और इनमें लगभग 7,500 वस्तुओं का उत्पादन होता है। यद्यपि यह क्षेत्र हमारे सुधारों से उचित ढंग से सामंजस्य बिठा रहा है, किंतु सरकार इसे अपना और अधिक समर्थन देगी। इस क्षेत्र के लिए ऋण मिलने का विशेष महत्व है। 2000 और 2003 के बीच इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 4,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विशेष शाखाएं खोली जा चुकी हैं और 100 नई शाखाएं निकट भविष्य में खोली जाएंगी। अलीगढ़, लुधियाना, तटवर्ती केरल और हावड़ा में लघु उद्योगों की बस्तियों में प्रौद्योगिकी को सुधारने और आधुनिकीकरण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहायता देगा। सरकार भी लघु उद्योगों की इस बात में सहायता करेगी कि वह विदेशों में स्थित ऐसी इकाइयों से संपर्क स्थापित कर सके।
और तदनुसार प्रगति कर सकें। स्टॉप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।